ओ माय गॉड, ये जगह कौन सी है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? This is me, your Spidey. ये कुछ साल पहले की बात है कि किसी कारणवश मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, और अचानक से मेरी हालत बिगड़ गई थी, इसलिए मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, और उसकी वजह से मैं चला गया था कोमा में। और जब मैं उठा, यहाँ स्टार्ट हो गई थी जॉम्बी एपोकलिप्स। एंड वेलकम टू जॉम्बी एपोकलिप्स सीरीज 2024। यहाँ बस एक लेटर मुझे मिल चुका है, इस लेटर को पहले पढ़ लेते हैं। गो टू रूफटॉप एंड सेव योरसेल्फ, योर कोड इज 14369। डॉक्टर एस, आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या है। ओके, इस लेटर में कुछ कोड लिखा है, आई थिंक वो कोड इसमें का है। तो इसका कोड था 14369 एंड राइट, और इसके अंदर मेरे पास चार ग्लास ब्लॉक। यार मैं इन चार ग्लास ब्लॉक का मैं क्या ही करूंगा, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ ही सही, इसलिए मैं इस ब्लॉक को रख लेता हूँ। एंड आई डोंट नो मुझे उस लेटर में रूफ टॉप में जाने के लिए क्यों कहा गया था। यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, बहुत ही ज्यादा। नाउ यहाँ पर मुझे रियलाइज हो कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी, लिटरली बहुत ज्यादा बड़ी। एंड मुझे पता चल गया था कि नॉर्मल वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट द हेक, यहाँ पर क्या था? मैंने अभी भी कुछ देखा, एक्चुअली वो कुछ तो था, आई थिंक मुझे बाहर जाना चाहिए। ओह माय गॉड, इतने सारे क्या है ये? आई थिंक ज़ॉम्बीज है क्या? यहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ रखी है। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर एक ग्लास छोटा फूटा है, इसके ऊपर चलते हैं। आई थिंक मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है, सो चलते हैं ऊपर कहीं पास मुझे इतने सारे ज़ॉम्बीज। ओह माय गॉड, मुझे किसी विंडो से अंदर जाना होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम तक नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम होने लगी है। आई थिंक ये सारी ग्लास ब्लॉक इसी के लिए थी, अगर मैंने ग्लास ब्लॉक नहीं उठाई होती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ से बार बार ज़ॉम्बी आते ही रहते हैं। यहाँ पास मेरे पास था लिटरली वन हार्ट, और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पास मैं एक बंद रूम पर कैद हो चुका था। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सारे डोर्स भी बंद हो चुके थे, बाहर थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज। आई थिंक ये मेरा लास्ट नाइट भी हो सकता है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी रिसोर्स भी नहीं है खाने पीने के लिए, और कुछ टाइम में मेरी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये लास्ट बार है जब मैं बारिश देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ कुछ तो धमाका हुआ, चलो जाकर देखते हैं। पर ये होल क्या? ओह माय गॉड, आर्मर, बैकपैक एंड वन चेस्ट, ये कुछ हिडन रूम था क्या? सो किस्मत से मुझे मिल चुका था एक हिडन रूम, जहाँ पर मेरे पास एक बैकपैक, बहुत अच्छी सी शील्ड, आर्मर एंड चेस्ट के अंदर भी कुछ सारे सामान थे। सबसे पहले मैंने उठाया बैग, दर मैंने चेस्ट खोली, तो मैंने सोचा सबसे पहले हेल्थ बढ़ाने के, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिटरली मेरे पास एक हार्ट ही थी। उसके बाद मैंने कलेक्ट कर ली सारी आर्मर्स, उन सब आर्मर्स को मैंने कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद पहन भी लिया। एक्चुअली सुख काम में देरी कैसी। एंड इस चेस्ट के अंदर पे थे दो गन्स, फर्स्ट वन इज रिवॉल्वर एंड सेकंड वन इज स्कार एल। ब्रो लिटरली स्कार एल इज माय फेवरेट गन। नाउ दिस इज हॉस्पिटल, और उस लेटर पर लिखा था कि हॉस्पिटल के मुझे रूफ टॉप पर जाना है, पर मैं रूफ टॉप पर नहीं जा सकता था, पर मेरे पास है बहुत सारे गियर्स लाइक गन्स है मेरे पास, और बहुत अच्छी आर्मर है, तो मैं जा सकता हूँ रूफ टॉप पर। और अगर उस लेटर पर रूफ टॉप नहीं लिखा होता फिर ही मैं जाता, क्योंकि ऊपर पर मुझे दिखाई दे रही है एक हेलीकॉप्टर, और मैंने गन को रिलोड करके ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर दिया। तो लिटरली मेरे रास्ते पर जितने सारे ज़ॉम्बीज थे उन सबको मैंने मार दिया, क्योंकि भाई मेरे पास एक्चुअली बुलेट्स थे अभी के लिए, पर बाद में मेरे पास बुलेट्स बिल्कुल भी नहीं थे, सो मैंने पिस्टल की बुलेट भी यूज करी। तब मेरे पीछे थी विंडो, उसके पीछे में बहुत सारी पत्तियों की रस्सियां जैसी लटकी हुई थी, उस रस्सी को मैंने जंप करके पकड़ लिया। देन उसके सहारे मैं चला गया रूफ टॉप की ओर। सो धीरे धीरे चलकर मैं गया, पर मैं पहुंच चुका था एंड पर, क्योंकि ऊपर जाने के लिए और वैसे भी रास्ता नहीं था। सो मैंने फिर किया एंडर पर, सो मैं आ चुका था ऊपर, मैं आ चुका था हेलीकॉप्टर के पास। सो दिस हेलीकॉप्टर इज सो ब्यूटीफुल। इस हेलीकॉप्टर में बहुत बड़ी सी विंग एंड नाइस कलर, और ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल। इसके बगल में एक और हेलीकॉप्टर है, पर वो यार बहुत बहुत बेकार है, इसकी उसकी बात नहीं करनी मेरे को, बहुत ज्यादा बेकार है। सो हेलीकॉप्टर के अंदर चलते हैं, इसके अंदर पर एक चेस्ट है, इसके साथ ही बहुत सारे चीजें लाइक बहुत सारे, तो इसमें एक लेटर भी है। सो देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। गो टू बोट एंड कलेक्ट की कार्ड ऑफ लैब, गो टू लैब एंड कलेक्ट मैप ऑफ FIV सिटी एंड सप्लाईज, देन गो FIV सिटी एंड मीट डॉक्टर डक। व्हाट द फक, सो इसके हिसाब से सबसे पहले मुझे बोट में जाकर लैब का की कार्ड कलेक्ट करना है, देन लैब में जाकर किसी रूम की गेट को की कार्ड की मदद से खोलना है, जहाँ रूम के अंदर में FIV सिटी की मैप और सप्लाईज मिलेगी। उसके बाद मुझे FIV सिटी जाना है, फिर डॉक्टर से मिलना है, जिसका नाम है डॉक्टर डक। ये क्या ही कर सकते हैं। सो चलते हैं 3 2 1 What the heck?
ओह माय गॉड। सो नाउ इस जगह पर मुझे पता चल गया था कि मेरे एल लगने वाले हैं। मेरे साउंड की वजह से सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे थे और बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी चालू होने का नाम भी नहीं ले रही थी। एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आते जा रहे थे, इसलिए मैंने कुछ ज़ॉम्बीज को शूट करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने ऊपर ही कुछ ब्लॉक तोड़ी और उन ब्लॉक से मैंने अपने आप को ढक लिया ताकि मेरे आसपास के ज़ॉम्बीज मुझे देख ना पाए। सो ज़ॉम्बीज मुझे नहीं देख पा रहे थे तो इतने सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे थे वो सब रास्ते से हटकर इधर उधर जाने लगे थे। देन मैं जल्दी से दौड़कर मेरे बगल वाले हेलीकॉप्टर में जाकर मैं बैठ गया, पर कुछ ज़ॉम्बीज ने मुझे देख लिया था तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। पर मैंने जल्दी से हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और मैं उड़ गया। इस सिटी की हालत देखकर मुझे पुराने सिटी की याद आ गई थी, जब यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती थी, बच्चे बस में स्कूल जाया करते थे और सारी शॉप्स खुली हुई होती थी। इस खाली खाली रोड और इस खाली खाली बिल्डिंग्स को देखकर मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मिस यू माई ओल्ड स्वीट सिटी, मिस यू सो मच। सो इस लेटर की सबसे मुझे जाना है सबसे पहले सिप्स पर। कि मैं पहुंच चुका हूँ सिप्स के पास और यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, उसके अंदर मैं जाकर उतर सकता हूँ। देन मैं आ चुका था सिप्स पर और इस सिप्स पर कुछ ज्यादा ही शांति थी, मुझे नहीं पता इतनी शांति क्यों थी। सो मेरे पास कुछ गन्स थे, उन सबको मैंने रिलोड कर लिया एंड मैं चला गया कार ढूंढने। तो यहाँ पास मुझे एक रास्ता मिल चुकी है पर मैं इसके अंदर आई थिंक जा सकता हूँ। ये क्या है भाई, वह कुछ तो मशीन है एरो फायर करने का। तो इसके नीचे चलते हैं, देखते हैं आई थिंक मुझे यहाँ पास मिल सकता है। ये रास्ता थोड़ा खुफिया लग रहा है, इसके अंदर आई थिंक मुझे जाना चाहिए। इसके अंदर भी कुछ है, ओके बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, इसके भी अंदर जा सकते हैं पर यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ओके इसके अंदर कुछ है। नाउ ये गेट लॉक थी और इसके अंदर पर मुझे कुछ चमचमाती हुई चीज दिख रही थी, येलो सर्कल बॉक्स और येलो बेल्स। सो आई थिंक मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। सो इसके लिए मैंने एक बगल वाली गेट से लीवर तोड़ी और उस लीवर को लाकर मैंने इस दीवार पर लगा दिया और उस लीवर को चालू किया, देन मैं जा सकता था अंदर। मुझे मिल चुकी थी एक सर्कल बॉक्स येलो, इसके अंदर पर जाकर देखते हैं लेवल 5 की कार्ड। मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस की कार्ड को ढूंढने के लिए। सो मेरा फर्स्ट मिशन पूरा हो चुका है, सो चलते हैं यहाँ से। सो नाउ मुझे अब जाना है लिबरेटरी लैब, वो मेरे सामने ही है लगभग 100 मीटर की दूरी पर, क्योंकि जस्ट इस रिवर के उस पार है लिबरेटरी लैब। और इसके नीचे भी भयानक भयानक मेरे को आवाज आ रही है। सो दिस इज लिबरेटरी लैब, इसके अंदर मुझे जाकर ढूंढना है बहुत सारे सप्लाईज एंड FIV सिटी की मैप। सो वो सब एक खुफिया रूम में बंद है। सो उस खुफिया रूम को खोलने के लिए मेरे पास एक की कार्ड है, उसके यूज करके मैं उसके अंदर जा सकता हूँ। पर सबसे पहले मुझे इसके नीचे जाना है, ये रस्सियों के सारे मैं नीचे जा सकता हूँ आई थिंक। पर भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज मुझे अभी से ही दिख रहे हैं, ओ माय गॉड। सो नाउ मुझे दिख चुके थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज, उन सब ज़ॉम्बीज को मैंने मार दिया पूरी अपने गन्स की मदद से। पर मेरे पास इतने सारे मेरे पास वेपन्स नहीं थे और मेरे पास इतने सारे एमओ भी नहीं थे, तो मैंने सोच समझ कर साली एमओ खत्म कर दी। मेरे पीछे थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज, लिटरली बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरे पीछे बढ़ चुके थे। सो इसके नीचे मुझे जाना था, तो इस रस्सियों के सहारे मैं जा सकता था पर ज़ॉम्बीज मुझे जाने नहीं दे रहे थे। और उन सब ज़ॉम्बीज को मैंने चकमा देकर मैं यहाँ बस पहुंचा और कूद कर मैंने रस्सी पकड़ी और मैं चला गया नीचे, और यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ। ये सीढ़ियाँ शायद नीचे जाती है तो ठीक है, ये जगह ठीक है। मेरे पीछे तो अब शायद नहीं आ रहे हैं कुछ मॉब्स, लिटरली ब्रो इस जगह बहुत सारे मॉब्स है, बहुत सारे मॉब्स यार। मेरे पास अब तो मेमो भी नहीं बची, मैं क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले इस साइड गया, देन मुझे लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पास एक टनल थी। ओके मुझे मिल चुकी है वो, इसके लिए मुझे चाहिए की कार्ड इस गेट को खोलने के लिए। सबसे पहले की कार्ड और यहाँ पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज फिर से आ चुके थे, मैंने की कार्ड से इसको खोल दिया और की कार्ड से इसको बंद भी कर दिया। थैंक गॉड मुझे मिल चुका था अब यहाँ पर सारे सप्लाईज। सो आई हैड टू सूट्स फॉर मेन एंड फॉर गर्ल्स एंड टू चेस्ट। फर्स्ट चेस्ट पर थे बहुत सारे एमओ और बहुत सारे प्रकार के गन्स, रिवॉल्वर है एंड ग्रेनाइट लॉन्चर्स एंड असॉल्ट राइफल एंड एन नेदर लॉन्ग स्वॉर्ड्स। और यहाँ पर और कुछ है क्या, ये क्या चीज है एयरक्राफ्ट वगैरह। थैंक गॉड मुझे आई थिंक FIV सिटी का मैप भी मिल चुका है। ओके FIV सिटी का मैप का ही मैप ही है, तो ये रहा FIV सिटी का मैप। इसकी मदद से मैं जा सकता हूँ FIV सिटी क्योंकि वह बहुत यहाँ से दूर है, इसलिए मैप की मुझे जरूरत थी। तो मैंने और मेरे को हिट बिल्कुल भी लेनी क्योंकि मेरे पास लगभग 8 एप्पल्स हैं और 8 ब्रेड्स हैं। ये बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाली थी मेरे सर्वाइवल के लिए। और मैं कहाँ से आया था, ओके मैं यहाँ से आया था, बहुत सारे ज़ॉम्बीज गेट पर थे। मुझे अचानक से याद आया कि मुझे एमो वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे पास एक ग्रेनाइट लॉन्चर मैंने लॉन्च कर दिया और सभी ज़ॉम्बीज एक बार में ही मर चुके थे। सो चलते हैं गेट के पास। सो ये छोटे छोटे ज़ॉम्बीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड कुछ ज्यादा होती है और ये एम में नहीं आते। इतने सारे ज़ॉम्बीज भाई क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड। तो ऐसा करके मैंने बहुत सारी ज़ॉम्बीज को मारी, ज़ॉम्बीज को तो मैं ऐसे ही मार लूंगा कि भाई पर एम ही नहीं लग रही, इतनी फास्ट ही है कि मैंने रिलोड कर लिया है एक शॉट दो यार, कितनी सारी एमो वेस्ट करा दी मेरी। सो मुझे अब ऊपर जाना होगा आराम से एकदम
बिल्कुल भी जॉम्बी से हीट नहीं लेनी मेरे को। सप्लाईज वगैरह मेरे को बिल्कुल भी ध्यान मतलब कि दिखाई तो नहीं दे रही कि इस रस्सी के सहारे मैं ऊपर जा सकता हूँ। ये रस्सी सीधा ऊपर जा रही है। एक्चुअली मैं इसी रस्सी से नीचे आया था, मुझे याद नहीं बिल्कुल भी। सुनाओ जल्दी से चलते हैं अपन एयरक्राफ्ट पर बैठकर, मेरा प्यारा से एयरक्राफ्ट। सो लेट्स गो फॉर FIV सिटी। सो इस मैप के सहारे मैं देखकर बता सकता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन पर जाना है। सो मुझे लगने वाले हैं लगभग 12 घंटे। सो मुझे करना होगा कंटिन्यू ट्रेवल